फॉलो करना चाहता था, और दूसरा ये इसलिए मैंने अपने पैशन को ये चूज किया, तो मैंने जो वो इग्नो ये जो एसएसएम कॉलेज की जो डिग्री है वो छोड़ दी। अभी रिसेंटली मैं नासा पे वर्क कर रहा था, तो नासा पे भी मैंने कुछ वर्नेबिलिटीज फाइंड की थी जो कि डेटा लीक के रिलेटेड थी, जो कि प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो लीक हो रहा था पब्लिकली। इलाके का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, मुल्क का नाम रोशन किया है। Cash them now. सर अभी मैंने जो है जब 12th किया तो उसके बाद मैं एसएसएम कॉलेज में बीटेक करने के लिए गया था कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मैंने वो सेकंड ईयर में सर ड्रॉप की। उसके बाद मैंने डिस्टेंस मोड पे इग्नो में एडमिशन लिया, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो इतना मुझे मैनेज नहीं हो रहा था दो चीज़ें, एक तो मैं अपने पैशन फॉलो करना चाहता था, और दूसरा ये इसलिए मैंने अपने पैशन को ये चूज़ किया, तो मैंने जो वो इग्नो ये जो एसएसएम कॉलेज की जो डिग्री है वो छोड़ दी। मैं 5th स्टैंडर्ड से सर ऐसे जो हैकिंग में मतलब इंटरेस्ट रखता था इन कंप्यूटर्स में मोबाइल फ़ोन्स में, तो तब से मेरा शौक था और मैं ये चाहता था कि मैं कुछ करूँ जो है ऑर्गेनाइजेशन उनको सिक्योर करूँ, जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है डोमेन्स है उनको सिक्योर करूँ। तो आज आपने क्या बनाया है, किस प्रकार का फायदा इससे? जी सर लास्ट ईयर 2023 में मैंने अपल पैक डेटा वल्नरेबिलिटी फाइंड की थी, जो कि यूजर्स का डेटा वो लीक हो रहा था जी। तो उसके बाद मैंने उनको रिपोर्ट किया और उन्होंने जो है उसको वैलिडेट किया और मुझे हॉल ऑफ फेम में मेंशन किया। तो अभी रिसेंटली मैं नासा पे वर्क कर रहा था, तो नासा पे भी मैंने कुछ वल्नरेबिलिटीज फाइंड की थी जो कि डेटा लीक के रिलेटेड थी, जो कि प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डेटा था वो लीक हो रहा था पब्लिकली। तो उसके बाद मैंने उनको भी रिपोर्ट किया और उन्होंने भी वो वैलिडेट किया और मुझे हॉल ऑफ फेम में मेंशन किया। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको? जी सर इसमें भी मुझे 1-2 महीने लगे उस पर टेस्ट करने के लिए, और एप्पल में भी 1-2 महीने, और इसके बावजूद भी मैंने 16+ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको जो है सिक्योर किया है इथिकली। किस प्रकार की सराहना आपको मिली है जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है? देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रिसिएशन देते हैं, और जो हम काम करते हैं उसके लिए वो रिवार्ड्स भी देते हैं, बाउंटीज देते हैं, या जो है हॉल ऑफ फेम में मेंशन करते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं बहुत ज्यादा। अपने मुल्क इंडिया को किस तरीके का फायदा, आपने जो ये सिक्योर डाटा किया है किस तरीके का फायदा मिल सकता है? देखिए अगर यहाँ की जो बात करें, यहाँ पे जो अभी इंडिया की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है चाहे वो गवर्नमेंट हो या जो प्राइवेट सेक्टर्स है, उनको चाहिए कि एक प्रोग्राम लॉन्च करे अपनी वेबसाइट पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और जो है इथिकल हैकर जो है उनको इन्वाइट करे कि आप हमारी सिक्योरिटी जो है इसको टेस्ट करो, और अगर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है आप हमको रिपोर्ट करो। उसके बाद उसके बदले वो उनको रिवार्ड्स दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं और एप्रिसिएशन दे सकते हैं। हालांकि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो प्राइवेट है वो ऐसा काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो वेबसाइट्स है या ऑर्गेनाइजेशन वो उनका कोई भी जो है ये प्रोग्राम नहीं है। और खासकर मैं कश्मीर के भी जो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो बड़े बड़े डोमेन, उनको भी ये कहना चाहूंगा कि आप एक प्रोग्राम अपना करो। इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो डेटा है वो सिक्योर रह सकता है, यूजर्स का आम यूजर का डेटा वो सिक्योर रह सकता है, वो लीक नहीं हो सकता है कोई जगह, तो ओवरऑल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। पढ़ाई में बहुत अच्छा था मगर ज्यादा तरजीह दी है उसने कंप्यूटर से ही। अच्छा, तो बहुत खुश है हम। अच्छा। आज तो हम बहुत खुश है, उसने ये काम किया, लीगल काम किया है गवर्नमेंट के साथ, मगर यहाँ का गवर्नमेंट इसको साथ नहीं देते है। अच्छा। साथ नहीं देते, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते है,
वाकई ये बहुत अच्छा लड़का है, इसने आज बहुत शान रखी है गाँव की, डिस्ट्रिक्ट की और मुल्क की।